श्योकन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देख रहे सभी पशुपालक भाइयों को प्रदीप शुद्धकर्ण की ओर से राम राम, सत श्री अकाल। तो लाइव मिल्किंग में आप सब पशुपालक भाइयों का स्वागत है। भगत सिंह डेयरी फार्म गांव शुद्धकर्ण कला जिला जींद और तहसील उचाणा से मिल्किंग दिखा रहे हैं। तीसरे टाइम जो तीसरे ब्यांत की भैंस की मिल्किंग है और थर्ड टाइमर है। एक बार डेट एंड टाइम आपको कन्फर्म करवा देता हूँ। गूगल प्लीज टेल मी डेट एंड टाइम। बार आपको टाइम देखें जी, आ गया है टाइम। ये देखें, ये 6:31 और 36 पे हमने शाम को स्टार्ट की थी। ये देखें जी, और देख ले भाई। तो सभी भाई शेयर कर दे, बच्चा छोड़ दिया गया है। सवेरे इसने खाली 13 कुछ हुई थी नहीं, 13 120। थोड़ा सा देखो भाई टाइमिंग के हिसाब से आधा घंटे का फर्क भी पड़ गया था। 13 120 इसने खाली होते निकाला है। और देख पा रहे हैं आप सभी पशुपालक भाई, बच्चा छोड़ दिया गया है, साथ में इसके मेल काफ है, थर्ड टाइमर है। तो गूगल से टाइम दिखा के आपको स्टार्ट किया है ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। और ज़बरदस्त क्वालिटी पशुधन की आप देख पा रहे हैं। और दूध क्षमता 13 120 खाली होती, उसमें आधे घंटे का फर्क था। और सामने रंजा बुल है जो आप देख पा रहे हैं, साथ में इसके बंधा हुआ है। तो पहले भी आपने यहाँ से वीडियो देखी होगी भाई साहब के डेयरी फार्म से। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें वीडियो को। देखो एक दुबई का दूध का काम है और काफ़ी पैसे हैं फिलहाल। मैं टोटल कितनी मैं अपनी डायरी पे भाई, भाई। फिर भी ताज़ा कुछ है अपने कितने मैं डायरी पे फिलहाल है? अच्छा 25+ है। हाँ अच्छा 30 25 30 है भाई। देखो कोई करेक्ट जानकारी नहीं है भाई को, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा भाई, ज़्यादा देखभाल नहीं कर पाते। फिर भी भैंस ने बहुत बढ़िया दूध निकाला है। और अब देख सकते हैं आप जो मिल्किंग आपको दिखाएंगे जी, अरे मैंने साहब तो बैठे थे भाई, ड्रा उठ कर ना अरे वो ठुल रहा है बच्चा सुन। मान दिया, एक मिनट साइड में जाऊंगा, साइड में एक बार मैं तो डर रहा थोड़ी खड़े होंगे थोड़ी, अरे मैं तो डर रहा है। देख देख ज्यादा मुठ्ठू होता दोबारा में तो यहाँ से आपको दिखाएंगे जी। एसएल डी में कितने पास हुई थी? 20 किलो में। कै दिन की बैठी जब? अच्छा भाई 14-15 दिन की ब्याई हुई, एक दो दिन की तो भाई का भूल भी लग सके है। देखो भाई शेयर भी करते हैं साथ के साथ में सभी भाई जितने भाई देख पा रहे हैं। अरे घंटे दे बना ना अब ज्यादा उठ होता ना मैं पता बैठा था। अरे समा मैं तो कट लग बहुत ही बहुत कर
देख ली थी बस बस लो खाली दिखा दी बाल्टी उठ के ये देखो दोनों बाल्टी खाली ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई मिल्किंग हो चुके स्टार्ट और खाली होने के बाद ये पहले टाइम की मिल्किंग आप देख पा रहे हैं। देखते हैं कितना दूध निकालेगी। थोड़ी आवाज कम आएगी ज्यादा नहीं बोल पाएंगे भाई। पूरा जरूर देखें जल्दी मिल्किंग पूरी हो जाएगी क्योंकि दोनों भाई जो मिल्किंग कर रहे हैं और बहुत शानदार क्वालिटी की। अब देखते हैं कितना दूध निकाल लेगी तो देखने के लिए जुड़े रहें। तेरह 120 खाली होते ही जिसमें आधे घंटे का फर्क जो टाइमिंग के हिसाब से हो गया था आधा घंटा लेट हो गई थी और अब देखते हैं भाई कितना दूध निकाल लेगी। साथ की साथ में शेयर जरूर करें। और भगत सिंह भाई का नंबर मैंने दे दिया है टाइटल में। 7 मिनट और 43 सेकंड पूरे हो चुके हैं। वो 5 से 7 मिनट में मिल्किंग पूरी होगी। भाई शेयर कर दें साथ में कमेंट्री कम कर पा रहे हैं बोल कम पा रहे हैं क्योंकि देखो पशुधन की जो डिस्टर्ब ज़्यादा होता है उससे। तो देखते रहें और जुड़े रहें पूरा ज़रूर देखें शेयर करें। और एक आम पशुपालक की घर से जो लाइव आप देख पा रहे हैं de
हैं जी कितना दूध अब निकालेगी। एचएलडी जो रिकॉर्ड करवाया है और 2 महीने से थोड़ी ऊपर की जो ब्याज उसकी है फिलहाल 10 मिनट और 25 सेकंड हो चुके हैं। और 14-14 मिनट के आसपास में 15 मिनट में जो कंप्लीट हो जाएगी सारी, टाइम निकाल के देखें। और शेयर नहीं करते हैं तो शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत बढ़िया दूध उसने निकाला है एचएलडी में भी, क्योंकि ताज़ा ब्याई थी जब, और अब भी उम्मीद बहुत बढ़िया है। और लगभग लगभग मिल्किंग पूरी होने वाली है 2 मिनट के अंदर अंदर। आगे की जो उपाय निकाल रहे हैं गाड़ी का, रख दे बस 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 गाड़ी देखें जी। ये देखिए बाल्टी में निकाल दी है, दोनों खाली करके आपको दिखाई हैं। और देखते हैं जी कितना होगा अभी फिलहाल। बाल्टी भी सामने रखवा दी है भाई, किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। और किसी भी मिल्किंग को अच्छे तरीके से दिखाना और एक बिना किसी उसके, तो मेरी जो भाई जिम्मेवारी होती है। और कोशिश करते हैं कि कभी भी कोई शिकायत का मौका ना मिले। जस्ट अभी 1 मिनट का टाइम और कंटे पर तोल के दिखा देंगे आपको जी। बोलने को तो बहुत बोल देते हैं कि 20+ है, 24+ है, 26+ है, लेकिन जब कंटे पर रखते हैं तो अलग बात। ये देखें दोनों बाल्टी उठाने, ये देखें भाई दोनों बाल्टियाँ, एक में आगे का गाड़ी का निकाला है और एक पीछे से निकल रहा है। और ये देखो साइड में, ऊपर में से भाई साइड में, गला गला साइड में। हाँ दोनों बाल्टियाँ उड़ा दे, एक बार दोनों बाल्टी उड़ा दे पुराना साइड में। हाँ एक गुरु इसके साथ धर लिया, लो दिखा दूँगा फिर मैं, बस सही है सही दिखे। हाँ कोई नहीं, 30 मिनट एक बार दिखे कौन नहीं गुरु जीरो कौन ये देखें, जीरो भी और खाली बाल्टी भी। ठीक है डाल दे, ज्यादा भाई 12,545 हो गया फिलहाल। और ये देखें जी बिल्कुल साफ साफ आप देख पा रहे हैं, 60 एक बार दिखा दे भाई, 12,575 बिल्कुल साफ साफ भाई जी। हाँ हाँ सही दिखा भाई साहब बिल्कुल, एक बार वेट रख दे। हाँ तो आधे किलो का रख दिया वेट, ये हो गया 13,70 हो गया भाई पूरा। और आधे किलो का फिर रख दिया है 570, एक एक करके उठा दे वापिस। हाँ एक वेट में जो 500 ग्राम वाला 10 ग्राम का फर्क, उसमें वेट में देखो इतना हो जाएगा।
12570 ठीक है। उठा ले बाल्टी, उठा ले, वेट कन्फर्म करवा दें एक बार। जीरो कर, देखो भाई जी वेट। हाँ जी देखो ये 10 ग्राम का। हाँ हाँ हाँ, और ये देखो, ये भाई देखो पूरा एक, पूरा एक 10 ग्राम का फर्क एक में वेट में। कोई नहीं कोई नहीं, पूरा पूरा देखो उसमें वेट में भी दिखा दिया वो। ठीक है जी, ठीक है भाई साहब। तस्वीर तो तस्वीर भाई वही भाई जिनकी जो टीम ने मिल्किंग दिखाई थी, और ये देखें कितने भाई जो मिल्किंग के सामने करवाई गई है, और बढ़िया दूध भी निकल रहा है भाई साहब। तो शाम को फिर दिखाएंगे जी आपको बिल्कुल राइट टाइम से, गूगल पे टाइम दिखा के, और सामने देखें जी, और ये देखें बहुत बढ़िया, क्योंकि शाम को तो आधे घंटे फर्क था और बिल्कुल एक्यूरेट निकाल दिया है वो, देखें। और सभी पशुपालक भाई शेयर ज़रूर करें, ये देखें जी कई भाइयों की मौजूदगी में जो मिल्किंग हमने की है। और भाई साहब का डेयरी फार्म थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखें जी बिल्कुल सभी दूध वाली हैं और अंदर भी दूध वाली हैं, तो दूध का काम है भाई का। और एक बार फैलो आपको दिखा देता हूँ दोबारा मैं, और बढ़िया रिकॉर्ड वाली अच्छी भैंस है जो देखो दूध बढ़िया निकाल रहा है। 12570 दूध निकाल दिया, ये देखें जी। तो शेयर ज़रूर करें, देखें जी पशुपालक भाइयों के साथ में आप देख पा रहे हैं, तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और शाम को भी ज़रूर जुड़ जाएं। धन्यवाद सभी का, जय हिंद जय माता की।